स्टार प्लस के पॉपुलर शो इश्कबाज में हाल ही में आपने देखा कि एक ट्रांसजेंडर ओबराइज को और खास तौर पर शिवाय को वार्निंग देती है कि आने वाला समय उसके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, जिसे सुनकर तेज उस ट्रांसजेंडर की डिसरिस्पेक्ट करती है और उसे घर से चले जाने को कहती है। हालांकि शिवाय उस ट्रांसजेंडर की बात को सीरियसली लेता है और अपने आप को आने वाले किसी भी खतरे से दूर रखने की कोशिश करता है। अब ऐसे में शिवाय सौम्या को एक बार फिर से अपने घर में ले आता है और पिंकी सौम्या के घर आने के बाद उससे कहती है कि प्रियंका की मैरिज तक वो वहीं रहे। सौम्या के घर आने के बाद रुद्र भी वहीं होता है और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों ही अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं, जिसके बाद रुद्र आकर सौम्या से माफी मांगते हैं और उसे अपने फैमिली में वेलकम करते हैं। ये सब देख प्रियंका को लगभग चक्कर आ जाता है और पिंकी और शक्ति मिलकर डॉक्टर बुलाते हैं। अब डॉक्टर आने की खबर सुन के प्रियंका और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रेगनेंसी की खबर सामने आ जाएगी, लेकिन अंत में कामिनी प्रियंका को बताती है कि उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से ही पता है। अब ये सुनकर प्रियंका और भी ज्यादा एंशियस हो जाती है। तो अब ये देखना होगा कि दिलचस्प होगा कि आने वाला एपिसोड और क्या नया ट्विस्ट लेकर आता है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।